hello everyone so welcome to platform of fun academy and welcome to the special announcement of a new admission program offered by india's one of the best business school यस बेटा आज हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जहाँ से आप लोगों को भी कोर्स करने का बहुत सारे ऑफर्स मिलने के चांसेस होते हैं लेकिन वो आपको उसकी जानकारी नहीं होती है उसके बारे में आपको नहीं पता होता है इस वजह से आपको ऑफर्स या तो नहीं मिल पाते हैं या तो बहुत बार जो है ना उन ऑफर्स को आप मिस कर देते हैं ठीक है तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ नीटी मुंबई के बारे में जो कि आपका इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हमारा जो है ना आपका नॉर्मली आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या फिर आपका बिजनेस पर्टिकुलरली मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका आ, बेस्ट आपका मैनेजमेंट स्कूल है ठीक है तो इसमें जो एडमिशन होते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो सकता है पहले से हो इसका जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और दो के अंदर में एक ऐसा सरप्राइज आपके लिए है इस नीटी के अंदर में कि उसके बाद जो है ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी शायद आपको ना मिले तो आज के सेशन के अंदर में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट और सरप्राइज भी है आपके लिए नीटी मुंबई की तरफ से ठीक है तो वो मैं आपको बता दूंगा बच्चा तो ये दो जो है ना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है और इस नीटी मुंबई में एडमिशन आपको किस मोड के थ्रू मिलता है मतलब इसके लिए गेट स्कोर होना चाहिए या फिर कौन सा स्कोर आपको नीड होती है या विदाउट गेट स्कोर जो है ना आप एडमिशन ले सकते हैं ठीक है ना तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए होती है क्या फीस स्ट्रक्चर होता है कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है कब क्लोज होता है तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ ठीक है ना तो चलिए आपको लेके चलते हैं नीटी मुंबई का जो अपलिकेशन प्रोसीजर हमारे पास में है तो वेबसाइट आपके पास दिख रही होगी मेरे बैकग्राउंड में तो वेबसाइट आपकी है नीटी मुंबई ओपन करके देख सकते हैं ठीक है वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल है एनआईर के अंदर में अभी इसका सेवंथ रैंकिंग है दो तो में इसका एनआईआरफ की तरफ से इसका सेवंथ रैंकिंग है बेस्ट बिजनेस स्कूल में। मतलब सभी आई के बाद में जो है ना इसका रैंकिंग आता है ठीक है ना सेवंथ रैंकिंग पर आता है ये हमारा बिजनेस कैटेगरी में तो यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स जितने भी हैं ना वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है इंजीनियरिंग वाले जो है ना कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि गेट का जो पीएसयू को रिक्विटमेंट होता है ये उसका भी बाप है रीजन ये है कि जो यहाँ से प्लेसमेंट आपको मिलता है वो प्लेसमेंट अगर मैं आपको बताऊंगा भी आपको सारा डेटा मैं दिखाऊंगा तो एवरेज प्लेसमेंट भी आपका जो हाईएस्ट पीएसयू जो पैकेज सैलरी आपको देता है उससे भी जो है ना डेढ़ गुना ज्यादा होता है ठीक है ना इसलिए आपका जो है ना आपका पीसूस का भी बाप है चलिए बात लेके चलते हैं अपने आपको तो बच्चा हमारा एडमिशन जो है ना फिलहाल के लिए अभी आपका इसका एडमिशन अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि Uh, इसका जो एडमिशन आपका है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 2023 के लिए ठीक है ना तो उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं एडमिशन प्रोग्राम की तरफ तो मैं डायरेक्टली आपको एडमिशन पेज की तरफ लेकर जाता हूँ ये एडमिशन 2023 के अंदर आप क्लिक करेंगे यहाँ से तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो जनरली हमारे पास में इसके दो कोर्सेस हमारे पास रहते हैं ठीक है पहला हमारे पास पी जी कोर्स हमारे पास होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए दूसरा हमारे पास में आपका जनरली आपका होता है सॉलिड मैनेजमेंट के लिए फिर हमारे पास में आता है पी ये हमारे पास जनरली इसके तीन कोर्सेस होते हैं इनमें से किस में आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो

टी मुंबई के लिए ठीक है चलिए तो इसके जो दो पर्टिकुलर कोर्सेस है उनकी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं पहला हमारे पास जो कोर्स आपका आता है दैट इज पी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ठीक है ना ये हमारे पास आपका है इसका एडमिशन का आपका प्रोचर जो है ना रिलीज हो चुका है 2023 के लिए आपका एडमिशन प्रोस्पेक्टस है ये जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें पूरा का पूरा आपको डेटा मिल जाता है माइल स्टोन जो डीस हैं नीटी के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या फैकल्टी क्या पीजी डी प्रोग्राम क्या होता है देन एडमिशन के बारे में तो हम डायरेक्टली जो है ना यहाँ से जो है ना आपका पेज पेमिशन पर लेकर चलते हैं बिकॉज हमारा जो मेनली है वो एडमिशन है ठीक है लेकिन थोड़ा मैं आपको बता दूँ नाइनटीन से लेकर के अभी तक की जर्नी जो है ना आपका नेटी मुंबई वो आपका जितने भी उसने माइल तय किए हैं तो वो आपके सामने यहाँ पर है ठीक है तो इनको आप प्रॉस्पेक्टस के थ्रू जो है विजिट कर सकते हैं चेयरमैन के डेस्क तो ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपके पास में जो नीटी मुंबई ने अभी तक जितने भी पर्टिकुलरली जो उसका जो रैंकिंग है उसकी ऑल ओवर द इंडिया किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में हो तो वो सारी रैंकिंग्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है तो डायरेक्टली हम लोग जो है ना लेके चलते हैं आपको बच्चा ठीक है जहां पर हम लोग को डायरेक्टली पहुंचना है तो हम लोग डायरेक्टली वहां पर चलेंगे हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली एडमिशन पेज की तरफ आपको दिख रहा होगा एडमिशन पेज पर हम लोग आ चुके हैं ठीक है तो मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा बाकी अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड है तो ये प्रोपेक्ट डाउनलोड करके आप डिटेल्स इसकी पूरी पढ़ सकते हैं मेनली आपको एडमिशन बताना मेरा एम है तो वो मैं आपको बताता हूँ एडमिशन अगर आप बच्चे बात करते एडमिशन का जो हमारे पास डेट है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आर स्टार्टेड हमारे स्टार्ट हो चुके हैं ओके तो यहां पर अब बात यह आती है कि रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके थे 16 जनवरी से और यहां पर जो क्लोजिंग डेट है वो आपके सामने मेंशन है बच्चा जो क्लोजिंग डेट आपका है दैट इज ऑफ ऑफ अप्रैल अप्रैल तो जो है ना ये आपका क्लोजिंग डेट है तो ये अप्रैल तक इस फॉर्म को आप कर सकते हैं काफी लंबा चौड़ा आपको टाइम यहां पर बच्चा दिया जा रहा है ठीक है तो आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे आपके पास काफी जो है ना टाइम रहने वाला है फिफ्थ अप्रैल इसका लास्ट डेट रहने वाला है ठीक है ना और पर्सनल इंटरव्यू एंड कोर्स आपका स्टार्ट होगा जाकर जून से तो ये इसका जनरली हमारे पास में क्या था टाइम लाइन चलिए आगे आपको लेकर के चलता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं एडमिशन से आपसे बात करता हूँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास होता है आप सभी को दिख रहा होगा कि दैट इज जनरली ओपन फ्रॉम आल ब्रांचेस ऑफ जितनी भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन की ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन की उन सभी के एडमिशन ये ओपन करता है ठीक है ना सभी के लिए ओपन होता है ये इसके लिए पर्टिकुलरली भी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसी ब्रांच में एडमिशन होगा जितनी भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की ब्रांच सभी के लिए एडमिशन आपको ये देता है अब यहाँ पर अगर आपसे बात करता हूँ तो आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए फाइनल ईयर तक तो आपका सिक्सटी परसेंट होना चाहिए अगर आप एस सी एस सी कटेगरी से हैं तो आपको फाइव परसेंट जो है ना रिलेक्सन आपको मिल जाता है फिफ्टी फाइव परसेंट ठीक है जनरल ओ बी सी डब्बल्यू एस के लिए सिक्सटी परसेंट आपको मिनिमम कैटेरिया होना चाहिए दूसरा है आपके पास में वैलिड क्या होना चाहिए गेट स्कोर होना चाहिए फॉर द पी जी डी आई इस अगर प्रोग्राम को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए ठीक है ना गेट स्कोर बेसिस पर ही सिलेक्शन करता है अब यहां पर ऐसा कोई नसरी नहीं कि आपके पास जो गेट स्कोर है ट्वेंटी का ही हो लेकिन दो क्यों आपके लिए अहम है नेटी मुंबई के लिए तो वो मैं आपको बता दूंगा ठीक है लेकिन आपके पास अगर गेट स्कोर कोई भी है अगर कितना गेट स्कोर चाहिए होता है वो उसका भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा कितने गेट स्कोर तक का लोगों को ये कॉल करता है तो ये हमारे पास में बड़ी बोली क्या है आपके पास में अब दूसरा ये है कि जो लोग फाइनल ईयर रिपेयरिंग हैं जिनका सेवन सेमेस्टर है या एट सेमेस्टर है वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिकॉज आप अभी गेट देने वाले होंगे या आपके पास अगर प्रीवियस कोई अगर आपका आप अच्छा गेट स्कोर अगर रखा है तो जैसे पर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मतलब इसमें फाइनल ईयर एलिजिबल होता है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तीस सितंबर तक थर्टी सितंबर तक आपको क्या करना होगा अपना रिजल्ट जो है ना वो आपको देना होगा तो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो है पहला गेट क्वालिफाई करिए गेट क्वालिफाई करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर और उसके बाद जो है ना आपको कॉल किया जाएगा किसके लिए पर्सनल इंटरव्यूज के लिए कॉल किया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यूज के बाद जो है ना आपको एडमिशन का ऑफर आएगा तो ये हमारे पास चार स्टेप के अंदर हमारे पास जो है ना आपका प्रोसीजर होता है ठीक है तो इसका जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा निडी मुंबई के साइड पर जाकर के फाइव हंड्रेड थाउजेंड आपकी फीस है जनरल और ओबीसी और ई के लिए और फाइव हंड्रेड रुपीज़ फीस है एससी और एसटी के लिए ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा थाउजेंड रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए ठीक है आप देखिए जरा ध्यान से दूसरा आपका जो बात आती है वो ये आती है जो फीस स्ट्रक्चर आपके पास है तो दोनों हमारे पास जो कोर्ससेस है पीजीडीआई और पीजीडीएसएम जो हमारे पास ये दो जो कोर्सेस हैं इन दोनों का फीस अलग अलग होता है ठीक है तो ये जो हमारे पास पहला जो हमारे पास कोर्स है पीजीडीआई इसमें जो आपको लगभग फी पे करना होगा टोटल जो हमारे पास टू ईयर का फी होगा ये टू ईयर का है बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का मिला करके एक राउंड फिगर में आपको बता दे रहा हूँ ताटे ट्वेल्व लैक्स फिफ्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ ये आपको पे करना होगा ठीक है ना बारह लाख तिरपन हज़ार जो लेकिन जो प्लेसमेंट मिलता है ना उसके आगे फीस आपको कुछ नहीं लगती है जो प्लेसमेंट आपको वहां से ऑफर होता है फिर आपको फीस जो लगेगी ना ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो ये फीस आपको पे करनी होगी टू ईयर्स के अंदर और यहाँ पर आपके पास में ठीक है जितना भी आपका आ, जो अगर आपके पास में जो भी अगर आप एक बार अगर सिलेक्शन अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर प्रॉपरली जो है ना अगर आपके पास गेट स्कोर है तो वहाँ पर आपको टीचिंग असटेंसिप भी मिलेगी मंथली आपको बारह हज़ार जो कि आपको मिलते हैं ठीक है तो वो आपको मिलते रहेंगे वहाँ पर भी अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो तो टीचिंग असिस्टेंटशिप जो आपको है ना वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी ठीक है और इसके अलावा जो एस सी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप वहाँ पर रहती है तो ये आपको स्कॉलरशिप भी वहाँ पर मिल जाती है ठीक है तो ये बेनिफिट आपको वहां पर मिल जाएगा अगर आपके पास गेट स्कोर है ग्रेट स्कोर से ही आपका एडमिशन होने वाला है चलिए जी अब मेन चीज ये आती है कि जो पीजीडीआई कोर्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स होते हैं ना उनका एडमिशन जीआरई बेसिस पर होता है ठीक है ना तो आप लोग कोई जीआरई वाले नहीं आप सभी गेट वाले हैं चलिए बात करते हैं प्लेसमेंट स्टेट की बात करते हैं दो हजार बाईस के अंदर में क्या इसका प्लेसमेंट का सीनेरियो रहा है ये अपने प्लेसमेंट की वजह से ही जाना जाता है ठीक है

जो आपका बेसिस पर होगा तो जो आप यहाँ से अपना कोर्स करके निकलेंगे तो ये उसका सिलेक्शन है ठीक है और दूसरा हमारे पास जो मिडन सिटी से अगर बात करते हैं है, 22 LPA है। और जो रिक्रूटर्स हमारे थे वो सारे सारे सेक्टर्स से थे, थे चाहे वो हमारे पास में बैंकिंग हो फाइनेंस हो एफ एम सी हो मतलब की फूड मैनुफैक्चरिंग आपके पास में हो मैन्युफैक्चरिंग हो लॉजिस्टिक्स हो आई टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग रिटेल एंड फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर सभी सेक्टर से रिक्रूटर्स आते हैं वन जीरो सेवन इस बार आए थे और उससे जो आपको प्लेसमेंट मिला है फाइनल प्लेसमेंट वो उसका एवरेज ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर एल पी है सोच सकते हैं जरा क्या प्लेसमेंट है ठीक है तो यहाँ पर जो है ना अपनी किस्मत आप चमका सकते हैं अगर आप अगर एक टॉप अगर रैंकर हैं अगर आपके पास अगर आप इसको अगर अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि बेटर देन पीएस अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में अगर एक जो है ना एक हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है ठीक है और नॉर्मली जो आपका समर इंटर्नशिप आपकी अगर बात करते हैं समर इंटर्नशिप के अंदर भीट फाइव एल पी ए का है मतलब सम इंटर्नशिप में भी आपको पैसा मिलेगा 128 रिक्रूटर्स से सम इंटर्नशिप के लिए हाईएस्ट स्टाइपेंड 3.5 LPA उन्होंने सम इंटर्नशिप में इतना ज्यादा करा दिया था मिडलेस्ट स्टाइपेंड 2 LPA का है 2 LPA का ठीक है ना 2 लाख मिला तो ये बच्चा आपका है पीजीडीआई का जो नीटी का एडमिशन है वो हमारे पास ये रिक्रूटर्स हैं आपके दिख रहे होंगे बड़े बड़े नाम आपको दिख रहे होंगे अबाउट डिस्टिलर सिटी ठीक है ना एमजो अपोलो टायर्स एशियन पेंट एक्सिस बैंक ये सारे रिक्रूटर्स हैं जनरली जो यहाँ पर विजिट करते हैं हिंदुस्तान भी हमारे पास में आता है आई भी यहाँ पर विजिट करता है ठीक है तो सारे के सारे बड़े बड़े रिक्रूटर्स आपके दिख रहे होंगे लिस्ट आप सभी को दिख रही होगी सारे रिक्रूटर्स यहाँ पर विजिट करते हैं ठीक है ना कुछ न्यू रिक्रूटर्स भी इस बार से ऐड हुए अडानी ग्रुप भी यहाँ पर विजिट करना स्टार्ट कर दिया है तो ये बच्चा है आपके रिक्रूटर्स

के लिए हमारे पास देखो ये दोनों ही डिफरेंट कोर्सेस हैं इन दोनों का जो हमारे पास में अगर आप बात करिकुलम की बात करेंगे जो मॉड्यूल की बात करेंगे दोनों का डिफरेंट रहता है ठीक है ना एक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से है एक हमारे पास जनरली आपके पास में है वो हमारे पास में आपका जनरली जो सॉलिड मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड है हमारे पास ठीक है ना तो यहां पर अगर आप बात करते हैं तो इस पड़ेवली प्रोग्राम के लिए अगर पीजी जी की अगर आप बात करते हैं ठीक है तो इसके लिए प्रॉस्पेक्टस में सारा डिटेल्स आपके पास गिवन है तो डिटेल्स आप जो है ना प्रॉस्पेक्टस से जा करके देख सकते हैं और जनरली इस प्रोग्राम के अंदर में जो एडमिशन प्रोसीजर मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पर लेकर के चलता हूँ ठीक है तो प्रोस्पेक्टस आप पूरा आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं प्रॉस्पेक्टस आपके पास वेबसाइट से अवेलेबल रहेगा ठीक है ना चलिए जी तो जैसा कि मैंने आपको बताया अब इसके लिए अगर आप बात करते हैं एनआरएफ का आपका इस समय सेवन्थ रैंकिंग है

ई के लिए तो वैसे ही सिमिलरली हमारे पास पीसीम के लिए भी हमारे पास में क्या सभी ब्रांचेस के लिए अप्लीकेबल होता है यहाँ पर भी आपके पास सिक्सटी परसेंट एग्रगेट होना चाहिए बीटेक का फाइनल ईयर है ना और फाइव परसेंट आपको मिल जाता जो है जो फाइनल ईयर अपलीकेबल है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना वो सारे अप्लाई कर सकते हैं यहां पर भी इस कोर्स के लिए भी दोनों ही जनरली हमारे पास में अच्छे कोर्सेस हैं ठीक है ना दोनों के फीस स्ट्रक्चर बस अलग अलग होता है ये डिफरेंस होता है दोनों का करिकुलम अलग अलग है ठीक ना बाकी दोनों का ही प्लेसमेंट जो है ना बेस्ट होता है तो इसके लिए जो है ना आपको क्या करना है इसके लिए आपके पास में गेट स्कोर होना चाहिए यहाँ पर भी आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है पीजी डिसम कोर्स के लिए तो पहला हमारे पास में क्या है जो प्रोसीजर हमारे पास में है, आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा देन पर्सनल इंटरव्यूज आपके होंगे देन आपको ऑफर मिलेगा एडमिशन के लिए तो ये हमारे पास अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका भी जो हमारे पास टाइमलाइन अगर मैं देखा हूँ आपको टाइमलाइन आप देख रहे हैं तो इसका भी लास्ट डेट फिफ्थ अप्रैल है

बिकॉज़ क्चरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास में कोर्सेस होते हैं तो थोड़ा सा फीस इसकी ज्यादा होती है ठीक है ना तो इन दोनों ही प्रोग्राम का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है फोर्टीन लैक्स इस पर्टिक्यूर प्रोग्राम की आपकी फीस होती है इस कोर्स के लिए फोर्टीन लैक्स अप्रोसीमेटली है ना वो आप पे करेंगे अब बात आती है सर कोर्स की कोर्स क्या करना है आपको ठीक है चलिए जी

अगर आप एक चीज़ अगर देखने जा रहे हैं कि अगर वास्तव में अगर आप पैसा अगर यहाँ पर लगा रहे हैं फीस अगर आप पे कर रहे हैं तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है ट्वेंटी वन का जो है ना वो मीडियन सिटी सी है यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स पी के लिए पी जी का हमारे पास में ना उसका भी हमारे पास प्लेसमेंट लगभग आपके पास ऐसा था रिक्रूटर्स हमारे पास में सारे के सारे बड़े रिक्रूटर्स इसके लिए अंदर भी आते हैं अगर आप देख रहे हैं कंसल्टिंग बी एफ एस आई एफ एम आई टी एनालिसिस सारी कंपनी यहाँ पर विजिट करती हैं लॉजिटिक्स मैनुफैक्चरिंग ठीक है ना और अदर्स फार्मा रिटेल ई कॉमर्स ये सारी पर्टिकुलरली आपकी कंपनीज यहाँ पर आपकी विज़िट करती हैं ठीक है तो ये था नीट में एडमिशन का ब्रोचर 2023 के एडमीशन्स स्टार्ट हो चुके हैं अब जरूरी सूचना बच्चे आपके लिए ये है कि अभी करंट टाइम में नीट जो है ना आपका 2023 के बाद 2024 में एडमिशन जो है ना वो कैट के थ्रू लेगा बिकॉज़ नीट मुंबई इज गोइंग टू द नेक्स्ट आईएम इन द 24 2024 में आपका नेटी मुंबई आई एम मुंबई बनने जा रहा है इसलिए वहां पर सारे एडमिशन होंगे वो कैट के थ्रू होंगे इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आप एडमिशन इस बार ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो अदरवाइज नेक्स्ट ईयर से गेट के थ्रू एडमिशन लेना बंद हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर से सारे एडमिशन कैट के थ्रू होंगे ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये लीक हुई है ने की तरफ से ठीक है तो अभी इसीलिए मैं बोल रहा गोल्डन है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिकॉज नेक्स्ट ईयर से आप कैट क्रैक करेंगे तब आप टीम मुंबई में एंट्री कर पाएंगे तो ये आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो गेट के थ्रू आपके लिए एक लास्ट चांस है अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कितने स्कोर वालों को एडमिशन मिलता है तो नॉर्मली यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जो बॉयज हैं वो 700 स्कोर पर उनको इंटरव्यू कॉल आता है और जो गर्ल्स होती हैं उनको 600 650 स्कोर पर कॉल आता है ठीक है तो ये बेनिफिट आपको मिलता है तो कुछ लोग बोलेंगे अगर सर इतना मार्क्स अगर आएगा स्कोर आएगा तो हम पीएसयू लेंगे डेफिनेटली आप पीएसयू चूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप ओवर द पीएसयू अगर आप कुछ चूज करना चाहते हैं अगर आप उससे बेटर कुछ लाइफ अगर चाहते हैं बिकॉज तो पीएसयू के अंदर में पे स्केल जब आपका बढ़ेगा तभी आपकी सैलरीज बढ़ती है लेकिन यहाँ पर आपके पास आपको पता है कि इस सेक्टर के अंदर जो आपकी ग्रोथ होगी जो आपकी पोजिशन होगी वो तेजी से ग्रो करेगी डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी स्किल्स उस पर डिपेंड करता है आपका तो इनिशियली आपको जो पैकेज मिलेगा वो इतना होगा इसके बाद आप कितनी तेजी से ग्रो करते हैं ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है है ना इसलिए जो है ना यहाँ पर भी आपके ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं ओके तो सारे के सारे रास्ते आपको मैंने बता दिए हैं गेट तो अल्टीमेटली आपको एक चीज ये पता चल जाएगी सभी को कि यहाँ पर नेटी मुंबई हो चाहे वो कोई पी हो सभी का रास्ता जो है ना एक अहम पर्टिकुलरली पॉइंट से निकलता है और वहीं से होकर के गुजरता है वो है गेट मतलब अल्टीमेटली हमारे पास में फाइनली जो है ना गेट ही आपका वो डेस्टिनेशन है जहां के बाद जो है ना आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं चाहे हायर स्टडीज का हो मतलब एम का हो चाहे वो आपका पी का हो चाहे फिर वो नीटिंग मुंबई के लिए हो सभी के लिए जो है ना आपके लिए गेट जो है ना वो इंपॉर्टेंट टास्क है ठीक है तो इस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए जितने भी 23 वाले लोग हैं थोड़ा सा और सिंसियर हो जाइए अगर आप ऐसा कुछ अगर करना चाहते हैं ट्वेल्व लैक्स फोर्टीन लैक्स फीस तो ठीक है लेकिन इसके बाद जो पैकेज लगता है ना वो कुछ भी नहीं है आपकी फीस के आगे फिर ठीक है तो वो आपको क्या करेगा अच्छा सुकून देगा इसलिए जो है ना यहाँ पर लोग एडमिशन लेने के लिए बहुत बेताब रहते हैं बिकॉज यहाँ पर जो प्लेसमेंट होता है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ठीक है इंस्टीट्यूट हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर में आता है आई के बाद सेवेंथ रैंकिंग पर है इस मैंने की और नेक्स्ट ईयर से जो है ना आपका नेक्स्ट आई होने जा रहा है मुंबई इसलिए अभी ये लास्ट चांस है 23 थ्री आपके लिए लगाइए जोर जितना भी जोर लगा सकते हैं पे सू मिलेगा तो भी ठीक है अगर ये मिल जाता है तो भी आपके पास में ऑप्शन रहेंगे तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आराम से आपने जो है ना गेट स्कोर का वेट कर सकते हैं अगर आपके पास लास्ट ईयर का गेट स्कोर अगर है दो का उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर ठीक है ना तो ये सारे अपॉडेबली आपको अपॉर्चुनिटीज है ना वो मेरे थ्रू आपको मिलती रहती है ट्वेंटी में आपको कैट के थ्रू अगर एडमिशन अगर होता है ठीक है ना जैसा कि इन्फॉर्मेशन आई है तो फिर वहां पर एडमिशन कार्ड के थ्रू होगा लेकिन इसका ध्यान रखना है कि गेट ट्वेंटी फोर भी वहां पर भी आपके लेके आओ फाइनल डेस्टिनेशन होगा वहीं से आपके सारे रास्ते तय होंगे एमटेक्स और पीएस और नेटी अगर नेटी अगर लेता है गेट के थ्रू तो ठीक है अदरवाइज कार्ड के थ्रू लेगा तो आपके पास आई और आपके पास में क्या है पीएसूज के रास्ते अभी भी गेट के थ्रू ही जाने वाले हैं तो आपके पास अगर कुछ भी अगर आप ऐसा कोई एक प्लान अगर प्लान बी लेकर चल रहे तो उस प्लान बी इससे पहले प्लान ए जो है ना उसको एग्जीक्यूट करिए मतलब अगर आपने ये प्लान किया है कि मैं मार्च में अप्रैल में मई या जून में जो है ना गिड के बारे में सोचूंगा तो ऐसा कुछ भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा रीजन ये है एक लिमिटेड टाइम आपको देना पड़ेगा किसी भी रैंकर से पूछेंगे ना तो वो भी जो है ना कम से कम अपने कॉन्सेप्ट को इतना बिल्डअप करके चलाया उसने एक सफिशियंट टाइम दिया तब जाकर के उसकी रैंक आई है तो जो भी आप प्लान करना चाहते हैं अभी से कर सकते हैं आज आपका जो रिपब्लिक डे ऑफर आपका चल रहा था तो उसका लास्ट डे है थर्टी तो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके स्क्रीन पर बच्चा वो ऑफर आप सभी को दिख रहा होगा इस ऑफर के साथ आप मूव कर सकते हैं जहां पर आपको 30 परसेंट तक का ऑफ मिल रहा है एमईसीएस e. कैटेगरी के प्राइसेस आपके सामने आपके कैटेगरी में आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर प्लस में से कोई भी आप प्लान चूज कर सकते हैं ठीक है वहां पर ट्वेंटी आपको फ्लैट ऑफ मिल रहा है टेन जो आपका प्राइस हाइक होने जा रहा है बहुत जल्द ठीक है तो वो टेन आपको रिलेक्शन मिल रहा है यहाँ पर अभी तो ये टोटल आपको थर्टी परसेंट ऑफ मिल रहा है तो थर्टी परसेंट जब से आपको ऑफ मिल रहा है इसको आप यूटिलाइज करिए जल्दी से जल्दी जो है ना अपना पॉकेट का लोड जो है ना वो आप कम कर सकते हैं और आप सब्सक्रिप्शन के साथ मूव करके अपना अर्ली जो है ना सारे आपके बैचे जो स्टार्ट हो चुके हैं उड़ान एंड बुनियाद बैच ट्वेंटी के लिए तो आप उनको ज्वाइन करिए एंड यहाँ से जो है ना आप जर्नी जो है ना हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो आज इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा था नीटी मुंबई की आपकी इन्फॉर्मेशन थी बेस्ट इंस्टीट्यूट है बेस्ट पैकेज आपको मिलता है बस कंडीशन ये है कि गेट गेट स्कोर अगर आपके पास में है अच्छा तो आप इस पर एडमिशन ले सकते हैं ठीक है तो चलिए आज के सेशन के अंदर इतना ही रखते हैं बाकी ऐसे बहुत सारे अपडेट्स के लिए मेरे साथ में आप कनेक्ट रहिए मेरा नाम है सुबह प्रजापति एंड द फैकल्टी ऑफ काम इंजीनियरिंग इंडियन अकडमी प्लेटफॉर्म और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरे थ्रू ऐसे मिलते रहेंगे ठीक है सो फोकस ऑन योर गेट एग्जाम गेट ट्वेंटी ऑल द बेस्ट फॉर द गेट ट्वेंटी थ्री बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एवरी